नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ई रिक्शा का पीछे का ब्रेकडम कट गया है, आप कैसे पहचानेंगे उसको, आप कैसे बचा सकते हैं और कौन सा कंपनी का आपको ब्रेकडम इसमें लगाना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं आपको वाशर ढीला नजर आ रहा होगा। ये ढीला नजर आने का मतलब है कि इसका चक्का का नट जो है ये ढीला है, और ये जब बराबर नट आपका ढीला होने लगे तो समझ जाइए कि आपका पीछे का ब्रेक ड्रम है वो कटना शुरू हो गया, और बराबर जब ज्यादा ढीला हो तो समझिए कि ये कट गया है। तो इसलिए जब ऐसा ढीला होता हो तो तुरंत नट को फुल टाइट करें, नहीं तो आपको खोल के पीछे का ब्रेक ड्रम एक चदरा का टुकड़ा लगा दें। जो पिछले वीडियो मैंने बनाया उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कैसे लगाना है। तो पहले अभी हम इस नट को खोल के ब्रेक ड्रम को पहले बाहर निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं बाहर से आप कटा हुआ दिख रहा होगा, ये वाशर का दाग है जो जब ढीला पर चलता है तो ये वाशर का दाग इसमें आ गया है। चलिए मैं उस साइड से आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं इसमें जो कटिंग है इसका छेदा बड़ा हो चुका है, और इसी वजह से ये नट बराबर ढीला होता है, और यही कारण है कि इसको आप पहचानेंगे कि आपका ये ब्रेक ड्रम कट चुका है। जब ये छेदा बड़ा हो जाए, होल बड़ा हो जाए, तो समझ जाइए आपका ये कट चुका है। और आपको इसमें अच्छी कंपनी का, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस कंपनी का आपको लगाना है। स्टार नट को खोल लें और आपको मैं दिखाता हूँ CY गोल्ड। ये देख सकते हैं ये CY गोल्ड कंपनी का पीछे का ब्रेक ड्रम है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मैंने आज तक जब भी लगाया CY गोल्ड लगाया और अभी तक कोई भी तरह का शिकायत नहीं आया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। क्योंकि देखिए, मेरे एक हाथ में कैमरा होने की वजह से मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे CY गोल्ड है ये। और मैं आपको चलिए पन्नी खोल के निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए ब्रेक ड्रम का कितना अच्छा फिनिशिंग है, क्वालिटी भी अच्छा है, वजन भी इसका अच्छा है। इसलिए जब भी इस्तेमाल करें CY गोल्ड का आप इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कितना शानदार है, बहुत अच्छा फिनिशिंग है इसमें, कोई तरह का दिक्कत नहीं, अभी तक कोई शिकायत नहीं है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इसमें भी 4 बोल्ट लगी रहती है, इस 4 बोल्ट को आपको टाइट करना है इसमें रिम डाल करके। तो चलिए पहले पुराना वाला जो है उसे हम पहले खोल लेते हैं, उसके बाद ये CY गोल्ड का जो है ब्रेक ड्रम है उसको हम लगाएंगे। देखिए, इसका भी 4 नट है, और इसका गोटी से आप इसको खोल लें। देखिए, थोड़ा टाइट रहता है, इसको ठोक थोड़ा खोलना पड़ सकता है, इसलिए आराम से खोले कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग भी जब इसको टाइट करते हैं तो अच्छी तरीके से फुल टाइट उमझ के करें, इसमें वाशर स्प्रिंग वाशर लगाने के बाद आप इसको टाइट करें। तो आपने देखा, जब भी आपको बीच का नट यानी 30 नंबर बोल्ट जब आपको ढीला होने लगे तो समझ जाइएगा आपका ये पीछे का ब्रेक ड्रम कट चुका है। क्योंकि ढीला पर चलाएंगे तो गाड़ी बबलिंग करने लगता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नट ढीला है। और जब नट ढीला होता है तुरंत आप उस नट को फुल टाइट करें, और एक से दो बार अगर ढीला होता है तो उसको खोल करके उसके अंदर एक चदरा का टुकड़ा लगाए, जो पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख ले कि आपको किस तरह से लगाना है, आप समझ जाएंगे। और जब भी इसको आप ब्रेक ड्रम नया लगाते हैं तो CY गोल्ड कंपनी का लगाए, बहुत ही शानदार होता है। तो ये देखिए, मैंने खोल लिया है, अब मैं ये CY गोल्ड का जो है अब इसमें ब्रेक ड्रम लगाने जा रहा हूँ। उसका फिनिशिंग मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए, इस तरीके से आप आराम से इसको लगा सकते हैं। तो देखा, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है, जब भी लगाए CY गोल्ड का लगाए, और बीच का नट जब भी ढीला होने लगता है उसको खोल करके चदरा टुकड़ा देकर आप जो उसको टाइट कर दे तो आपका ये जल्दी ब्रेक ड्रम बिल्कुल नहीं कटेगा। और जब भी ब्रेक ड्रम लगाए CY गोल्ड का लगाए, और जब भी लगाते हैं ध्यान रखिए वाशर दे करके, स्प्रिंग वाशर दे के आपको अच्छी तरीके से इस सभी नट को फुल टाइट मार देना है, ध्यान रखेंगे। और बीच का नट भी आप जब टाइट करेंगे 30 नंबर का नट, उसमें भी आपको स्प्रिंग वाशर दे के ही आपको टाइट करना है। बहुत ही आसान है, कोई तक प्रॉब्लम आप आसानी समझ सकते हैं। जैसे ही नट ढीला होता है तो आपकी गाड़ी बबलिंग करने लगता है, तो चलाने में आपको पता चल जाएगा अपना ढीला हो गया है, तो उस नट को आपको टाइट करना है। क्योंकि बराबर नट ढीला हो तो समझ जाइए कि आपका ये हॉब कट चुका है, आप आसानी से इसको खोल करके CY गोल्ड कंपनी का आप लगा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कितना आसान है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।